प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र में आलोचना की संस्कृति की हिमायत की है। उन्होंने लोकतंत्र के शुद्धिकरण में आलोचना के महत्व पर जोर देते हुए मीडिया को अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखने की भी सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने इसे मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती करार दिया है। एक मराठी अखबार के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे मोदी ने कहा कि अगर आलोचना नहीं होगी तो लोकतंत्र ठहर जाएगा। पानी जब बहता है तभी साफ रहता है, वरना ठहर जाने पर यह गंदा हो जाता है। इसलिए लोकतंत्र के शुद्धिकरण के लिए आलोचना सबसे अच्छा रास्ता है। मीडिया को आलोचना करने का संकल्प लेने की नसीहत देते हुए मोदी ने कहा कि इसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। वैसे आरोप लगाना आसान होते हैं, आलोचना जितनी धारदार होगी और गवर्नेंस भी उतनी ही बेहतर होगी। देश की सामान्य नागरिक लोकतंत्र में सरकार की बातों को भरोसा करने से तैयार नहीं है। वे किसी और माध्यम से सत्य को जानना चाहता है, सुनना चाहता है, और लोकतंत्र की यही ताकत है। लोकतंत्र में संवाद का सर्वाधिक महत्व होता है। लोकतंत्र में अगर आलोचना नहीं होगी तो रुकावट आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा। बहते पानी में कभी गंदगी नहीं होती, लेकिन जब एक बार पानी ठहर जाता है तो गंदगी होना भी शुरू हो जाता है। और इसलिए लोकतंत्र का प्योरिफिकेशन, लोकतंत्र के में व्यवस्थाओं का प्योरिफिकेशन, इसका उत्तम अगर कोई इलाज है तो आलोचना, क्रिटिसिज्म है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।